हेलो दोस्तों, मैं आपका मेडिकल दोस्त और हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन और शहद के फ़ायदे के बारे में। वैसे तो दोस्तों, लहसुन और शहद के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे इस्तेमाल हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही आपके काम आने वाली है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके बॉडी में कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा आ गई है और शादीशुदा लाइफ सही तरीके से नहीं बीत रहा है। दोस्तों, लहसुन और शहद एक नेचुरल चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल करने से आपके बॉडी पर कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका सही तरीका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तभी आपको इसका फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, लहसुन में देखा जाए तो तमाम तरह के चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि आयरन, कार्बो, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी और एंटीऑक्सीडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह की चीज़ें लहसुन के अंदर पाई जाती हैं, जो कि इसके फ़ायदे हमारे बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहीं दोस्तों शहद में बात करें, शहद में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो शहद में आपको एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपके बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अगर प्राइवेट लाइफ जो है सही तरीके से नहीं बीत रही है, आपको बहुत ज़्यादा थकान मालूम देता है, आपका मूड हमेशा ख़राब रहता है और आपकी शादीशुदा लाइफ सही तरीके से नहीं बीत रही है, तो आपको काफ़ी गजब का रिज़ल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके फ़ायदे की बात करें तो अगर आपको अच्छी नींद नहीं लगती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपके प्राइवेट पार्ट में ताकत की कमी है, आपके बॉडी में काफ़ी एनर्जी का कमी है, तो इनमें काफ़ी अच्छा काम करता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको दोस्तों रोज़ाना 2 से 3 कली लहसुन का लेना है और उसको हल्के आँच पे भून लेना है। भूनने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसे शहद में डुबाकर कुछ देर तक रख देना है लहसुन के कली को, और उसके बाद निकाल कर आपको 2 से 3 कली रोज़ाना खा लेना है। ये प्रक्रिया आप दिन हफ्ते में जो है 4 से 5 दिन करें, आप देखेंगे कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत आ गया है, आपकी स्टेमिना में काफ़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, और साथ ही दोस्तों लहसुन जो है आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं या बार बार वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो इनमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है, या फिर आपके जॉइंट पेन में दर्द की शिकायत रहती है, स्वेलिंग की शिकायत रहती है, तो उनमें भी काफ़ी अच्छा लहसुन काम करता है, और शहद में मिला देते हैं तो और आपका फ़ायदा जो है डबल हो जाता है, डबल फ़ायदा आपके बॉडी पे पड़ने लगता है। तो दोस्तों, ये लोग वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना चाहते हैं और कोई ऐसा एलोपैथिक ड्रग लेना नहीं चाहते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक एलोपैथिक ड्रग आते हैं और वो नेचुरल तरीके से अपने शरीर में ताकत और स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन तरह के लोग लहसुन की कली और शहद का इस्तेमाल करके अपने शरीर में काफ़ी ज़्यादा ताकत को बढ़ा सकते हैं। इसे दोस्तों लेना कैसे है, आप चाहें तो सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं, या फिर रात में सोने के टाइम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, नेचुरल चीज़ें हैं, अगर फ़ायदा नहीं पहुंचाती तो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थे लहसुन और शहद के ज़बरदस्त बेजोड़ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।